क्राइम सीन से जमा किए गए बारीक से बारीक सबूतों को अपराधी से जोड़कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है और इसमें अहम रोल अदा करती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली। एफएसएल साक्ष्य के आधार पर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करती है जो अपराधियों के सफल अभियोजन और दोष सिद्धि में योगदान करती है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग के तहत आने वाली इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, फिजिक्स, डीएनए, फोटो, लाइट डिटेक्शन व बैलिस्टिक से संबंधित तमाम तरह के केसों की जांच की जाती है। इस प्रयोगशाला में दिल्ली पुलिस, अदालत व अन्य सरकारी संस्थाओं से प्राप्त केसों की जांच की जाती है। क्राइम सीन पर जो मुख्य भूमिका किसी भी फॉरेंसिक टीम की रहती है वो ये होती है कि वो वहाँ पर उपस्थित जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, फिजिकल हैं या डिजिटल हैं, उन साक्ष्यों को सही तरीके से प्रोक्योर कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें ये कौन से हेल्पफुल हो सकते हैं, इन सब में मदद करने का कार्य होता है। तो हमारी टीम्स जो हैं, जब भी रिक्वेस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से आती है किसी क्राइम सीन को विजिट करने के लिए, वो किसी भी माध्यम से आ सकती है क्योंकि शॉर्ट पॉसिबल टाइम में हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो किसी भी तरह से जो भी फास्ट मीडियम हो सकता है उसे कोऑर्डिनेट करके हमारी जो टीम रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल क्राइम सीन है या कहीं बैलिस्टिक से रिलेटेड कोई एरिया है, डिजिटल से, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट करके उसको वहाँ पर भेजते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 6 रेंज बनाई हुई है जो 24/7 काम करती हैं। जैसे कि हमारी साउदर्न रेंज में PS गेटर क्लास में हमारी टीमें अवेलेबल हैं, ईस्टर्न रेंज में PS न्यू सुमानपुर में हमारी टीमें हैं, न्यू दिल्ली रेंज में हमारी टीम PS दिल्ली कैंट में बैठती है, इसी प्रकार सेंट्रल रेंज में हमारी टीम PS सदर बाजार में रहती है और जो हमारी वेस्टर्न रेंज की टीम है वो PS द्वारका नॉर्थ में रहती है और नॉर्दर्न रेंज को हम रोहिणी से ही यहीं से FSL से कवर करते हैं और ये टीम है 24/7 दिल्ली पुलिस को हेल्प करती है। जितनी तेजी से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। साइबर या डिजिटल फ्रॉड से जुड़े मामलों को सुलझाने में भी FSL अहम किरदार निभाता है। इसमें मुख्य रूप से हमारी जो साइबर फॉरेंसिक टीम्स हैं उनकी दो भूमिकाएं रहती हैं। पहली भूमिका तो जो लैब में हमारे यहाँ एग्जिबिट आते हैं उनसे डिजिटल डाटा एनालिसिस एंड डिजिटल डाटा एक्सट्रैक्शन, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्वेरी होती है कि इसमें ये डाटा अवेलेबल है या नहीं, या क्लोनिंग का रिक्वायरमेंट होता है, या किसी भी तरह की उनकी जो भी क्वेरी होती है वो आंसर की जाती है टेक्निकली। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी क्राइम सीन से डिजिटल एविडेंसेस का कलेक्शन, उसमें भी हमारी टीम्स वहाँ पर अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये क्योंकि आज के समय में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है क्राइम के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंसेस इसके माध्यम से हमें मिलते हैं। अपराध से लड़ने में फॉरेंसिक साइंस दुनिया भर में सबसे विश्वसनीय तकनीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। आने वाले वक्त में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ना लाजमी है, इसलिए जरूरी है कि इसके संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी की जाए जिससे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके।